स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक हंगामा हो चुका है। हंगामा बिजली प्रकरण को लेकर है। काफ़ी परेशानियों से गुजरना पड़ा है बिजली को लेकर आम जनता को। इसी के चक्कर में आप देख रहे हैं यहाँ की महिलाओं ने बिजली के चक्कर में बिजली घर का घेराव कर रखा है और बहुत सारी महिलाएं यहां पर आई हुई हैं। पूरा रोड चक्का जाम कर दिया है। तो यहां के जो परेशानी है, क्या परेशानी है आंटी जब? नहीं तो पानी आ रहा, नहीं लाइट आ रही जगरम्मा में। कितने दिन हो गए? कितने दिन से परेशानी? 24 घंटे हो गए आपको? आप कितने दिन से परेशानी? 24 घंटे है, दो दिन लाइट आई है, पिछले 3 दिन लाइट नहीं आई। किस मोहल्ले की लाइट नहीं आ रही है? किशनचंद की नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। हम परेशान है, चमक आ रहा है ना, चार गलियों रोड बना में, यस बैंक के सामने परी गली में आ रही। 24 घंटे से और भी लोग हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है आपकी? भैया लाइट आ रही, परेशान है, पानी को सब जगह 3 दिन पानी, 3 दिन और लाइट नहीं है। बाला नहने ने परेशान है, कहाँ कर रहे हो? पानी है ना, लाइट है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ के कहाँ गए अधिकारी लोग? कहाँ गए यहाँ के? भाग गए यहाँ से। गौरव आप देखिए यहाँ पे कि किस प्रकार से यहाँ पे जो बिजली के अधिकारी हैं वो भाग चुके हैं जनता को देखकर। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग उपस्थित हो गए हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने रोड जाम कर दिया है। और भी यहाँ पर जो लोग हैं, केवल महिलाएं हैं या नहीं आ रही आपके यहाँ? हमारे यहाँ 2 दिन से लाइट नहीं आ रही, 30 घंटा है गए, अब जब से बारिश गई है जब से फिर भी लाइट नहीं आ रही है। और आपके आप कहाँ के हो? इसी मोहल्ले से हो आप भी? हाँ, तो यही सेम समस्या है। यस बैंक के सामने से? यस बैंक के सामने से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पुरुष और स्त्री हैं दोनों ने यहाँ पर एक आंदोलन खड़ा कर दिया है। लेकिन हालांकि आंदोलन नहीं कह सकते इसे, बिजली संकट से जो एक मोहल्ला है वो गुजर रहा है। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर महिलाओं ने हंगामा कर रखा है। आज भी ला रहे हैं और कल्ली लाट काट रहे हैं, 1 घंटा की मोहलियत भी ना दई और न करे जय संग बोल रहे हैं। ये इनका आरोप है कि 750 काटने को लगाने के कल लाइट आई है और लाइट नहीं आई है और जो बिल है वो भी पूरा दिया जा रहा है और लाइट काटी जा रही है। जेई साथ घूम रहे हैं, जेई 10,000 रुपए मांगे, अगर 10,000 रुपए होंगे जब तुम्हारे यहाँ बिजली पहुँचेगी। ये इनका पूरा पूरे का पूरा आरोप है जेई के ऊपर, जो कि आरोप लगा रही है। और 10,000 रुपए मांगे, 10,000 रुपए इनका आरोप है कि जो यहाँ के जेई हैं, जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, वो 10,000 रुपए लाइट लाने के लिए 10,000 रुपए मांगते हैं। उनका जो लाइट का कनेक्शन है वो काट दिया जाता है। तो इसी के साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। पूरे मोहल्ले की बिजली का ट्रांसफार्मर फूक गया है, कब से बदला ही नहीं गया है? नहीं, कल से फूका हुआ है, कल फूका था इसमें यस बैंक के सामने। यस बैंक के सामने एक ट्रांसफार्मर फूक चुका है। और ये भाई इतने दिन खराब हो जाता है, एसी लगी हुई है गली में, तमाम लोड के हिसाब से ट्रांसफार्मर नहीं है। तो ये इनकी बहुत बड़ी समस्या है कि इन्हें बिजली संकट से गुजरना पड़ रहा है। जेई पर ये आरोप लगा रहे हैं कि 10,000 रुपये वो लेते हैं बिजली का कनेक्शन लगाने के लिए। और भी लोग हैं यहाँ पर, महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइए क्या परेशानी? परेशानी पानी की सबसे ज्यादा परेशानी है। लाइट दोनों चीज आनी चाहिए। हमारा 2 बार ट्रांसफार्मर फूक गया, ट्रांसफार्मर बड़ा लगने को कह रहे हैं, बड़ा ना लगा रहे। एप्लीकेशन तो कहीं भी फोन कर दो तब भी नहीं सुनवाई हो रही। बिल्कुल बच्चे पानी के लिए तरस रहे हैं, नल पे भीड़ लग रही है, 2 लड़कियां तो बच्चे नेक-नेक्सी गिर गई। ये देखिए कितनी बड़ी समस्या से गुजरना पड़ रहा है। और क्या क्या समस्याएं हैं? अरे समस्या तो काफी है भैया, लाइट के बगैर क्या है बताओ। हर किसी के मोटर ना, किसी के पानी, सरकारी नल भी नहीं है। नहीं है सरकारी नल भी नहीं है, जिससे पानी ले ले, पानी की परेशानी है सबसे ज्यादा। एक नल है, जेई फोन नहीं उठाता ना, बात करता है, जेई बात करे बिल्कुल आया भजिया देख के पब्लिक, बिल्कुल जेई जो हैं वो यहाँ से भाग खड़े हुए हैं पब्लिक को देखकर, जबकि उनकी जवाबदेही बनती है कि उन्हें यहाँ पर जवाब देना चाहिए कि जो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो परेशानी से गुजर रही हैं। तो क्या क्या परेशानी है आपको? परेशानी है, 24 घंटे हो गए, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बच्चे परेशान, पढ़ाई कैसे करें बच्चे, बिल भी अपार से पार आ और बिल अपार आ रहे हैं। तो जेई कहाँ गए? यहाँ के जेई जो हैं वो कहाँ चले गए? हैं सब भाग गए, यहाँ पर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पर, कोई भी नहीं है इस समय। यार बोल रहे थे कि 10 मिनट पहले आ जाते आप लोग तो हम संशोधन करते हैं यहाँ पे।
तो इनका सीधा सीधा आरोप है जेई जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना लंबा जाम यहाँ पर लग चुका है, रोडवेज सारी ठहरी हुई हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो रोडवेज के कंडक्टर हैं वो भी है। आप देख रहे हैं कितनी लंबी यहाँ पर लाइन लग गई है, यहाँ पर पूरा ब्लॉक कर दिया गया है रास्ता। 19 बार पे भी फोन कराया हमने जेई पे, देखो निरीकॉल आई है, देखो निरीकॉल करी है जेई पे, किसी ने देखो किसी का रिस्पॉन्स नहीं दिया जेई ने, देखो कितनी कॉल आ रही है तुम्हें दिखाओ। और ऊपर भी कहें लखनऊ भी फोन कराए, उनने भी ना फोन कराया, देखो बात होती है क्या, जेई से बात करो, एप्लीकेशन लिखवा, हमने सब चीज लिखवा दी। ये कहीं ना कहीं समस्याओं को और बढ़ाया जा रहा है कि लोग जो जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ का जो प्रशासन है, जेई है, बिजली विभाग के अधिकारी हैं, वो इन लोगों की समस्याओं को सुन नहीं पा रहे हैं। क्या कमी है इन लोगों की, क्या इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, पढ़ाई करें बच्चे, बच्चों के इनका आरोप है कि बच्चों के एग्जाम चलने, अगर बिजली नहीं होगी तो वो पढ़ाई किस प्रकार से कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर डिवाई में, बिजली सुधारने के लिए जाते भी हैं तो कहते हैं हमें पैसे दो, नहीं हो गई पैसे दो, पैसे की भी मांग करते हैं। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से घिरा ये जो बिजली विभाग है ये है। और भी हम आपको लोगों से मिलाएंगे और दिखाएंगे कि क्या क्या यहाँ पर जनता कर रही है, फूक जाता है उसे नहीं सही कराते हैं, नहीं बदलवाते, नहीं कुछ करते हैं अच्छी तरह से, और उधर लोड ज्यादा है बिल्डिंग वगैरह को। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूर्णतः जाम लगा दिया गया है। और एक बहुत बड़ी बहुत सुंदर मिसाल ये देखी जा रही है कि यहाँ पर जो एम्बुलेंस आई हुई है उसको रास्ता दिया जा रहा है। ये देखिए, ये भारतीयता की पहचान है कि यहाँ पर जो एम्बुलेंस है, कोई बीमार व्यक्ति होगा या कोई अन्य किसी बीमार व्यक्ति को लेने जा रहे होंगे तो एम्बुलेंस के लिए रास्ता दिया गया, उसके बाद ये रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए पुलिस की फैंटम गाड़ी भी है, उसको भी ये लोग जाने नहीं दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पूरा जो हाईवे है वो ब्लॉक कर दिया गया है। बिजली की समस्या है और बिजली के जो कर्मचारी हैं जिनकी जवाबदेही बनती है वो भाग खड़े हुए हैं। ऐसी नॉर्मल देखा था कि बिजली घर के पास जो यहाँ के जो निवासी हैं उन्होंने बहुत बड़ा आक्रोश कर दिया था, जिसकी वजह से जो जेई थे, जो बिजली विभाग के अधिकारी थे, वो भाग खड़े हुए थे। लेकिन जब यहाँ पर आकर देखा गया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो है न्यू रखा जा रहा है, जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जनता की जो आक्रोश था वो कहीं ना कहीं ठीक था, जिसकी वजह से ये जो ट्रांसफार्मर है बदला जा रहा है। कहीं ना कहीं जनता जागरूक हो रही है और इसी प्रकार से जनता जागरूक होगी तभी अपने क्षेत्र में काम करा पाएगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ एक संदेश।